एकदम चकता है पूरा पहाड़ है के। ये रहा वाला एकदम ना ये रास्ता वा बचा के थोड़ा रास्ता बहुत पत्थर के नाते रास्ता बहुत वैसे ना ठीक है। पहाड़ों के बीचों बीच में खंडहर हुआ है ना। ये बड़े बड़े पत्थर पत्थर के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं हैं? लगा तो है यही कहीं कहीं नहीं से रास्ता पकड़ के आओ।
के इधर अभी ना ही आए को दाएं ना ही दूसरी जगह गए रहे। अरे वहाँ जा कर जंगलों में भगवा गए रहे, यहाँ तो बताओ तो यहाँ ना ही है। वहाँ तो इसे जैसे दरवा ना कटा रहा था पहाड़ वाक पूरा एकदम वैसे रहा वहाँ। ये पूरा सुनसान जंगल है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, बिल्कुल खंडहर की तरह देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर और ये पहाड़ पेड़ पौधे, बिल्कुल सुनसान इलाका। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे मछली मारने के लिए, और बिल्कुल बहुत ही भयानक जंगल है। देख सकते हैं यही वो नदी है जिसमें हम लोग मछली मारेंगे, और इस पार से उस पार तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बेहया का पेड़ यही है, और ये हम लोगों का रास्ता इधर से हम लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए हैं। पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल पैदल यानी चप्पल से पहन कर चलने लायक रास्ता नहीं है बगैर जूता का। और ये देखिए पहाड़ पे इतने बड़े बड़े पेड़ बिल्कुल आसमान को छू रहे हैं, सागौन का पौधा ये देखिए। ये कोई जीव है शायद, मर गया है। ये पत्थर, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये हरियाली जंगल की। यहाँ पे बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है जहरीले जानवर कीड़े मकोड़े पेड़ों पे लग सकते हैं, इसलिए बेहद सावधानी पूर्वक यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये देखिए तितली जो है उड़ रही है पीली सी, ये देखिए। बहुत सारी तितलियाँ यहाँ पे, और धीरे धीरे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग शिकार करना है मछली का। और ये बड़े बड़े ये पेड़ देखिए किस तरह से लटका हुआ है बिल्कुल रास्ते में, ये इतना बड़ा सा हो इस पेड़ का। और ये देखिए इतने बड़े पत्थर पत्थर लगे हुए हैं, और देखते रहिए हम लोग कहाँ तक चल रहे हैं। बिल्कुल इस जंगल में तो बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद बहुत गर्म लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। देखिए कितने बड़े बड़े जो है पेड़ पौधे से गिरे पड़े हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है ऊपर तक, यहाँ तक निगाह जा रहा है सिर्फ पत्थर है। और हम लोग आ गए हैं लगभग लगभग में, अभी और दूर चले पड़ी, अभी अभी रास्ता और है, इसको फांदना पड़ेगा क्योंकि बीच रास्ते में गिर गया है। और देखिए फिसलन है, ये सब पत्थर पे काई लग चुके हैं, बहुत ही सावधानी से आना पड़ेगा। पपाया चिड़िया बोल रही है, और हम लोग बिल्कुल अब आ चुके हैं करीब। यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है मछली मारने के लिए
बैठे हुए हैं, देख सकते इतने बड़े बड़े चट्टान और पहाड़। ये कोई है जो वहाँ पे मछली मार रहा सब बैठ के। देखिए रास्ता, बिल्कुल रास्ते में इतना बड़ा पेड़, झुक के जाना पड़ेगा यहाँ से। निकल आए इधर मछली मार रहे हैं यहाँ पे। देखिए बीचों बीच नदी में एक सूखा पेड़ खड़ा हुआ है। हम लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम लोग काफ़ी दूर चले आए उस पहाड़ के छोर से, इस पहाड़ के छोर तक चले आए, लेकिन तो अभी भी पहाड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल। सोचिए लगभग 11 मिनट हो गए हम लोगों को चलते 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 इस पहाड़ी इलाके में। अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। शायद वीडियो में उतना अच्छा ना लगे, लेकिन तो जितना अच्छा यहाँ से आने के बाद लग रहा है बिल्कुल। अजीबोगरीब पत्थर, छोटे बड़े कटे, बहुत ही बेहतरीन इलाका है ये। लेकिन तो ये अनजान लोगों के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, इसलिए बगैर जानकारी के यहाँ आना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। और मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, हम लोगों का मंजिल वहीं पे है, देखिए वहाँ पे, यहाँ पे असलम भाई खड़े हैं मछली मारने के लिए। और देखिए हम लोगों का अभी वहाँ तक कैसे कैसे जाना होगा इधर से, यानी लगभग अभी जो है 400 मीटर की दूरी तय करना है। इधर घुमावदार पहाड़ से घूमते हुए जाना पड़ेगा। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए ये सारी जड़ें जो है पत्थरों में किस तरह से जकड़ी हुई है। ये देखिए बिल्कुल कितना बेहतरीन पत्थर लग रहा है देखने में, ये सब छोटे बड़े पत्थर। चलते चलते बिल्कुल पसीना आ गया, आप देख सकते होंगे पसीना शायद दिख नहीं रहा होगा, ये जंगल इलाका है। इतने ही में मौसम बहुत ही सुहाना है, देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल लगे हुए हैं। और हम लोग धीरे धीरे तट की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से हम लोग आ चुके हैं बेहद ही करीब अपने मंदिर के पास। और देखिए किस तरह से, इससे पहले जो हम लोग मछली मारने गए थे वो जो पहाड़ी इलाका था वो बाघों से भरा पड़ा था, ये जो है थोड़ा सुरक्षित इलाका है। फिर भी वहाँ आने से पहले बोर्ड दिखा था जिस पे अलर्ट का निशान दिया गया था कि सावधान रहिए प्रतिबंधित इलाका है, उधर नहीं जाना। इसलिए हम लोग इस साइड से निकल के आए हैं पहाड़ी के, बिल्कुल बहुत ही पसंदीदा जगह है ये उन लोगों के लिए जो लोग घूमना चाहते हैं जंगलों में इधर उधर। अब तक की 13 मिनट हो चुके हम लोगों को आते हुए, इससे पहले का जो वीडियो बनाया गया वो छोटा छोटा वीडियो है, इसको भी इसी में जोड़ा जाएगा और पूरा दिखाया जाएगा हम लोगों का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। ये देखिए जंगल में किस तरह से लकड़ियाँ जो है इधर उधर बिखरी पड़ी है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, अजीबोगरीब पत्थर पेड़, अजीबोगरीब चिड़िया इस जंगल में देखने को मिल रही है। और ये नदी आप लोग देख सकते हैं इस छोर से उस छोर तक। मेरे कैमरे की क्वालिटी थोड़ा बढ़िया नहीं है इसलिए शायद वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी जो भी है बेहतरीन ही है, बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से दिगर आई, एक पेड़ में एक इधर है और एक इस साइड है। ये देखिए ये पेड़ देख सकते, मैं पसीने से भीग चुका हूँ बिल्कुल चलते चलते चलते। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ी दूरी और तय करनी है। ये देखिए ये पेड़ किस चीज़ का है, इसके देख सकते तने में कितने जो है जड़ें निकल आई हैं, बहुत ही
ये पत्थर आप देख सकते हो, इतना बड़ा पत्थर रास्ते में है। और ये देखिए जंगली जो है, ये जंगली चींटियाँ हैं। ये देखिए छोटे छोटे होते हैं लेकिन तो बहुत ही खतरनाक होते हैं ये सारी चींटियाँ। और इस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे धीरे। शायद देख के चलना पड़ेगा, पेड़ पौधों पे खतरनाक सांप भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ रहा है देखकर। और देखिए ये सारे, ये किस तरह से पेड़ उखड़ कर गिर गया है। और ये पत्थर, वो देखिए जामुन का पेड़ है, अभी छोटा सा था, उसके पीछे बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ सागौन का एक पौधा मिल रहा है, ये देखिए ये लते में, ये तो नहीं समझ में आ रहा है किस चीज़ का पौधा है, बिल्कुल नार की तरह लटका पड़ा है। और इस तरह से हम लोग बहुत ही अंदर चले आए हैं पहाड़ के और इस जंगल के भी। यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो नए होते हैं, रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के जो है कई रास्ते दिखाई देते हैं इस पहाड़ी इलाके में, इसलिए जो है बहुत सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। देखिए दीमक के टीले हैं ये जो है, ये जो दीमक होता है, ये दीमक का टीला देख सकते हैं किस तरह है। और ये पौधा जो है समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का, जैसे लहटोरा की तरह दिख रहा है लेकिन लहटोरा नहीं है। इस तरह से हम लोग बहुत ही आगे चले आए हैं नदी के, अभी हम लोगों का वो अड्डा नहीं मिला जहाँ से हम लोगों को शिकार करना है मछली का। इस समय जो है लगभग 17 मिनट हो गए हम लोगों को कंटिन्यू चलते हुए इस पहाड़ी इलाके में। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन, यानी बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है, किसी के साथ साथ थोड़ा सा खतरा भी लगा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग खतरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए करौंदा का पौधा है, ये करौंदा जो खट्टा मीठा लगता है, ये भी छोटा है, बिल्कुल फरा नहीं है, फूल लगे हुए हैं। और ये पहाड़ देख सकते हैं, ऐसा पहाड़ जैसे हंस रहा हो बिल्कुल। और हम लोग जो है आ चुके हैं लगभग लगभग में, ये देखिए छोटे छोटे पत्थर, ये पत्थर देखिए कितना बेहतरीन से सजा के रखा गया है। और हम लोग आ गए अपने मंजिल की तरफ। यहाँ पे देखिए भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ भी फाइनली हम लोग 18-19 मिनट में अपने मंजिल की तरफ, अपने मंजिल पर पहुँच गए। यहाँ पर हम लोग रखते हैं अपना सामान, पानी है, बोरा है, देखिए हम लोग वहाँ से आए थे, बिल्कुल वहाँ से इस तरह से चलते 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 इधर से फाइनली आ गए लगभग आधा किलोमीटर अंदर।